योकना फिर से जिम्मेदार सुबह ओके की मोहब्बत है, लोग अब बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे होनहार जमील साहब ने जिस तरह से काम किए हैं, लोग उसको भी सराहते हैं। और बीजेपी ऑलरेडी हर एक जगह काम कर रही है। आज ये लोग आपने देखा, सारे आए हुए थे, बहुत दूर दूर इलाकों से आए हुए थे, यहाँ पे जमा हो गए थे। हमारा मकसद है सबसे बड़ी बात कि लोगों को अब खुशी मिले, क्योंकि अब वो माहौल क्रिएट किया है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, कि अब लोग खुशी से आएं और खुशी से उनको सारी चीज़ें मिले। हमारे नौजवान, जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात रही कि हमारे नौजवान नशे में मुब्तला हो गए हैं, और हमारे नौजवानों को एक नया फील्ड मिले ताकि वो उस नशे की हालत से निकल कर ज़िंदगी को और आगे बढ़ाएं। क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है कि हमारे बच्चे खुदकुशी करें, हमारे बच्चे दरिया में सुसाइड करें। स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द अज़ जल्द जो MR ग्रुप्स एंड बाकी जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हमारे J&K में आए हैं, वो आए और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले। जो हाईटेक सिटीज़ के लिए लोग जाते थे, वो जम्मू कश्मीर ही बने और यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करने का मकसद है। जो पहले आप देख रहे हैं, क्योंकि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स ये बहुत पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ हैं। इन क्रॉनिक डिजीज़ को हम ठीक करने के लिए लगे हैं, और हमारा मकसद है जल ही जीवन है, और जल के बगैर वाकई में कोई बात नहीं हो सकती है। जल शक्ति का प्रोग्राम हर कोने हर गांव में पहुंच रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। और ये बहुत जल्द कोई भी घर जल के बगैर होती थी, और उनको उसी नशे के हालात में पत्थर थमा दिए जाते थे, और उनको कहा जाता था जाके पत्थर मारो, और कोई पत्थर से मरता था और कोई गोली का शिकार होता था। लेकिन जब आज माहौल सब ठीक हो गया है, आज हमें सिर्फ ड्रग नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि वो 20 सालों की देन है। अब उस मुसीबत से हमें अपनी सोसाइटी को दूर बचाना है, अपने नौजवानों को बचाना है। और आपने जो बोला डोरा पीट रही है, हम सिर्फ 5 साल से ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अलादीन का चिराग नहीं है कि हमने बोला तो और खड़ा हो गया। ये बिल्कुल इसमें एक टाइम लगता है, 5 साल नहीं 6 साल लगेंगे, लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया, सिर्फ 3 साल हो गए कश्मीर में, अभी हमें चैन की सांस।